बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से वर्चुअल बॉक्स जो है उसको अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपली गूगल क्रोम में वर्चुअल बॉक्स लिख लेना है, या आपने सिंपली जो वेबसाइट है इनकी virtualbox.org आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लेने के बाद, या आप अगर इसको भी ओपन करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड का बटन यहाँ पर आपके पास आता है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपको ये इस विंडो के ऊपर ले आता है जो आपका डाउनलोड का ऑप्शन ये पहले से इसमें ओपन होता है, ठीक है। आपने सिंपली, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, तो आपने सिंपली जो पहला वाला है, बेशक 64 बिट हो या 32 बिट हो, उसके लिए आपने सिंपल इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। और उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपके पास वर्चुअल बॉक्स का इस तरह से ये आपके पास आ जाता है। आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है, जिस तरह आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो है हम इंस्टॉल करते हैं। आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो को आपने सिंपली जो है वो नेक्स्ट कर लेना है। अगेन आपने नेक्स्ट करना है, अगेन आपने नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये इसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा, लिहाजा आपने उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद ये आपसे वर्चुअल बॉक्स जो है वो कंफर्मेशन मांगता है, आपने इसको यस कर देना है और ये आपके पास इसकी जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपके पास इसकी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होती है, आपसे यहाँ पर फिनिश का पूछता है और ये साथ ही आपके डेस्कटॉप के ऊपर इसका जो आइकन है वो भी आपके पास आ जाता है। आपने सिंपली जो है वो इसके फिनिश पे क्लिक कर लेना है, और फिनिश पे क्लिक कर लेने के बाद ये आपके पास यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको चेक इन किया हुआ था। ये आप सिंपली जो यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर इसका आइकन आ रहा है, आपने सिंपली इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ये ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास ये वर्चुअल बॉक्स जो है इस तरह से ओपन हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इजीली वर्चुअल बॉक्स को जो है अपने पीसी पर इंस्टॉल करना सीख गए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से शेयर की जा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।